नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में इंटरपोल की 90वीं महासभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री गुजरात के लोथल में समुद्री विरासत परिसर के निर्माण कार्य प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। 12वीं रक्षा प्रदर्शनी आज से गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर में। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के उम्मीदवार तय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस आज 3 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। इंग्लैंड के नए वित्त मंत्री जेरेमी हंट ने सरकार के आर्थिक पैकेज के अधिकांश फैसलों को बदला। जापान पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या के बाद यूनिफिकेशन चर्च से जुड़े मामलों की जांच करेगा और मिस्र के काहिरा में विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत के समीर ने रजत पदक जीता। समाचार प्रभात में विशाल शर्मा के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 90वीं इंटरपोल महासभा को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन 21 अक्टूबर तक चलेगा। इंटरपोल प्रमुख जर्गन स्टॉक ने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि बढ़ती हिंसा का सरकारों और व्यवसायों पर सामाजिक आर्थिक असर पड़ रहा है। संगठित अपराध नेटवर्क अपराध और आतंक से अरबों की कमाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चोरी गई वैश्विक परिसंपत्तियों में से 99% का अपराध नेटवर्क के पास होना गंभीर चिंता का विषय है। सीबीआई के विशेष निदेशक प्रवीण सिन्हा ने बताया कि महासभा में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। It is a particular matter of real happiness for us that this coincides with the 75th year of India's independence celebrations, the Azadi Ka Amrit Mahotsav. Interpol completes 100 years of its existence next year. It was in 1923 that the Interpol in its present form was set up. So this particular General Assembly is also very, very important. इंटरपोल महासभा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन का शीर्ष शासी निकाय है और प्रमुख निर्णय लेने के लिए इसकी वार्षिक बैठक होती है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इंटरपोल की 90वीं महासभा में इंटरपोल के 195 सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे, जिनमें मंत्री, विभिन्न देशों के पुलिस प्रमुख, राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के प्रमुख और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हैं। यह महासभा इंटरपोल की सर्वोच्च शासी निकाय है और अपने कामकाज से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए वर्ष में एक बार बैठक करती है। भारत में इंटरपोल महासभा की बैठक लगभग 25 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है। यह बैठक भारत में आखिरी बार 1997 में हुई थी। भारत की आजादी के 75वें वर्ष के समारोह के साथ 2022 में नई दिल्ली में इंटरपोल महासभा की मेजबानी करने के भारत के प्रस्ताव को महासभा द्वारा भारी बहुमत से स्वीकार किया गया था। यह आयोजन पूरी दुनिया के सामने भारत की विधि और व्यवस्था से जुड़ी सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणालियों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के निर्माण कार्य प्रगति की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समीक्षा कार्यक्रम शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न होगा। लोथल हड़प्पा संस्कृति का एक प्रमुख शहर है और ये मानव निर्मित प्राचीनतम पोतगाह की खोज के लिए जाना जाता है। लोथल में ये परिसर देश की ऐतिहासिक विरासत और धरोहर के प्रति यथोचित श्रद्धांजलि होगी। परिसर का विकास लगभग 3,500 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। निर्माण कार्य इस वर्ष मार्च में शुरू हुआ था। ये अपनी तरह की अनूठी परियोजना होगी, जिसमें न केवल भारत की समृद्धि और विविध समुद्री विरासत प्रदर्शित की जाएगी, बल्कि लोथल को विश्व स्तर का अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र बनाने में भी मदद मिलेगी। समाचार कक्ष से मनोज। 12वीं रक्षा प्रदर्शनी आज से गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर में शुरू हो रही है। इसका आयोजन 2 वर्ष में एक बार किया जाता है। प्रदर्शनी में सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम और उद्योग सशस्त्र बलों के लिए रक्षा उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। 5 दिन की प्रदर्शनी 22 अक्टूबर तक चलेगी। एक रिपोर्ट।
इस बार रक्षा प्रदर्शनी का विषय है गौरव पथ। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को एक सुदृढ़ और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। इस आयोजन से भारतीय अंतरिक्ष वैमानिकी और रक्षा विनिर्माण क्षेत्र के लिए देश विदेश के ग्राहकों के साथ साझेदारी और समन्वय से यह लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। डिफेंस एक्सपो के माध्यम से प्रतिभागियों को अपने साजो सामान और क्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा, साथ ही भारतीय रक्षा उद्योग के लिए व्यापारिक साझेदारी के द्वार खुलेंगे। प्रदर्शनी के तहत सेना, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक बल तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शनी में रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पाद विभाग के भारतीय मंडप में स्वदेशी रक्षा उत्पाद, स्टार्टअप, रक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित नवीनतम तकनीक का प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शनी में निजी उद्योग, स्टार्टअप और कई राज्य सहित 1300 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज। प्रदर्शनी के बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि इस बार का डेफ एक्सपो अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है। ये रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में भारत की क्षमताओं को प्रदर्शित करेगा। उन्होंने कहा कि भारत एक समय रक्षा उत्पादों का बड़ा आयातक था, अब वो रक्षा उत्पादों का निर्यात करने वाले विश्व के 25 शीर्ष देशों में शामिल हो चुका है। अमृतकाल की प्रारंभिक बेला में इस डेफ एक्सपो का आयोजन अगले 25 वर्षों में एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर में अग्रणी देशों में शामिल होने के भारत के संकल्प को दर्शाता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की डायनेमिक लीडरशिप में भारत के डिफेंस सेक्टर ने पिछले कुछ वर्षों में पूरे समर्पण के साथ पाथ टू प्राइड की तरफ कदम अपने आगे बढ़ाए हैं। हमारा डिफेंस सेक्टर वैश्विक स्तर पर डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में महारत हासिल करने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अमृतकाल भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर लाने का सही समय है। कल गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि बदलते समय के साथ सुरक्षा जरूरतें भी तेजी से बदल रही हैं। उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद, घुसपैठ और उग्रवाद के साथ आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के बीच का फासला कम होता जा रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सुरक्षा परिदृश्य में तेजी से हो रहे बदलाव से निपटने के लिए सभी सुरक्षा एजेंसियों को समन्वित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत में अक्षय ऊर्जा उपकरणों के वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में विकसित होने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि उद्योग के लिए उपकरण निर्माण से लेकर नवाचार और नई तकनीक तक सभी क्षेत्रों में देश में संपूर्ण अक्षय ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। भारतीय उद्योग परिसंघ के अक्षय ऊर्जा सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि अक्षय ऊर्जा में आत्मनिर्भरता भारत की आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि भारत को सभी के लिए बिजली के लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद सभी के लिए स्थायी बिजली के लक्ष्य को प्राप्त करने की आकांक्षा रखनी चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। किसान जो रखते हैं सबका ख्याल, उनका ख्याल रखता है पीएनबी। आपका बैंक पीएनबी लेकर आया है पीएनबी स्वर्णिम योजना, जिसके अंतर्गत किसानों को सोने के आभूषणों पर पूरे 10 लाख रुपए तक का लोन 7.75% के न्यूनतम ब्याज दर पर मिलेगा, वो भी कम दस्तावेज और आसान किश्तों में। ये सुनहरा मौका जाने ना दें। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800180222 या 1800103222 पर, या अपने नजदीकी पीएनबी शाखा में संपर्क करें। पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे हेड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है, और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम यू पिंग ड्रेस, यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है, आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूरिया उत्पादन और तरल नैनो यूरिया के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। नई दिल्ली में कल प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यूरिया उत्पादन और वितरण प्रणाली को काफी सरल बनाया है। देश में आप हिन्दुस्तान के किसी भी कोने में जाइए, एक ही नाम, एक ही ब्रांड से
और एक समान गुणवत्ता वाले यूरिया की बिक्री होगी और ये ब्रांड है भारत। जब पूरे देश में फर्टिलाइजर का ब्रांड एक ही होगा तो कंपनी के नाम पर फर्टिलाइजर को लेकर होने वाली मारामारी भी खत्म हो जाएगी। इससे फर्टिलाइजर की कीमत भी कम होगी, खाद तेजी से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 22 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं ताकि किसान जमीन की सेहत और उर्वरक क्षमता के बारे में जान सकें। खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिए, अच्छी उपज के लिए हमें खेती में नई व्यवस्थाओं का निर्माण करना ही होगा। ज्यादा वैज्ञानिक पद्धति को, टेक्नोलॉजी को खुले मन से अपनाना ही होगा। इसी सोच के साथ हमने कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धतियों को बढ़ाने, टेक्नोलॉजी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर बल दिया है। आज देश में किसानों को 22 करोड़ सॉयल हेल्थ कार्ड दिए जा चुके हैं ताकि उन्हें मिट्टी की सेहत की सही जानकारी मिले। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों को 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त भी जारी की। कृषि और किसानों के जीवन को सुगम बनाने के लिए शुरू की गई योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि किसान रेल और कृषि उड़ान के माध्यम से किसान अब न केवल बड़े शहरों से जुड़ रहे हैं बल्कि कृषि निर्यात बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर भी बढ़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज नई दिल्ली में बैठक होगी। बैठक में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे। भाजपा कोर समूह की बैठक कल दिल्ली में हुई जिसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, महासचिव बीएल संतोष, गृहमंत्री अमित शाह और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उपस्थित हुए। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव 12 नवंबर को होंगे। सभी 68 सीटों के लिए नामांकन भरने का काम कल अधिसूचना जारी होने के साथ ही शुरू हो गया। वर्ष 2017 में हुए पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 44 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत मिला था, कांग्रेस को केवल 21 सीटें मिल पाई थीं। तेलंगाना में नामांकन वापस लिए जाने के बाद मुनुगोड़ विधानसभा उपचुनाव के लिए 47 उम्मीदवार शेष हैं। उपचुनाव 3 नवंबर को कराया जाएगा। कल नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि पर 36 उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिए। कांग्रेस के राजगोपाल रेड्डी के त्यागपत्र के बाद ये उपचुनाव कराया जा रहा है। ये उपचुनाव कराया गया है, इस बार वे भाजपा से चुनाव लड़ेंगे। सत्तारूढ़ टीआरएस ने के प्रभाकर रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार पी सुरनाथी हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में इंटरपोल की 90वीं महासभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री गुजरात के लोथल में समुद्री विरासत परिसर के निर्माण कार्य प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। 12वीं रक्षा प्रदर्शनी आज से गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर में। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार तय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरस आज 3 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। इंग्लैंड के नए वित्त मंत्री जेरेमी हंट ने सरकार के आर्थिक पैकेज के अधिकांश फैसलों को बदला। जापान पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या के बाद यूनिफिकेशन चर्च से जुड़े मामलों की जांच करेगा और मिस्र के काहिरा में विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत के समीर ने रजत पदक जीता। मैं भारत हूं, देखिए मेरी ओर, पहचानिए मुझे। वी आर वन ऑफ द मोस्ट मेगा डाइवर्स कंट्रीज ऑन दिस प्लैनेट। हमारी शादियां, हमारे फैशन स्टेटमेंट सारे इंस्पायर्ड हैं हमारे सिनेमा से। 75 साल का नौजवान भारत। What we are really going to see India become is a powerhouse. India 2.0. The journey of India. 14 अक्टूबर से प्रत्येक शुक्रवार शाम 7 बजे हिंदी में और रात 10 बजे अंग्रेजी में DD National पर। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम। लोकतंत्र का सिस्टम। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम। लोकतंत्र का सिस्टम। मतदान।
जाता जो ले जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन मतदाता जंक्शन है शायद मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन है शायद मतदाता जंक्शन। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस आज 3 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। इस वर्ष जनवरी में दूसरी बार कार्यभार संभालने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। एंटोनियो गुतेरेस अपनी यात्रा के पहले दिन मुंबई आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद वे आईआईटी मुंबई में संयुक्त राष्ट्र भारत साझेदारी विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। 20 अक्टूबर को श्री गुतेरेस गुजरात के केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली से संबंधित पुस्तिका मिशन लाइफ इसके लोगो और टैगलाइन के शुभारंभ समारोह में शामिल होंगे। वे एकता प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और गुजरात के मोढ़ेरा में सौर ग्राम और सूर्य मंदिर भी देखने जाएंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर का श्री गुतेरेस के साथ G20 की भारत की अध्यक्षता और बहुपक्षवाद सहित विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करने का भी कार्यक्रम है। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। जापान सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या मामले में यूनिफिकेशन चर्च के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो ने कहा कि सरकार ने चर्च से जुड़ी जांच और शिकायतों के लिए हॉटलाइन स्थापित की है। शिकायतों के आधार पर पुलिस और कानून विशेषज्ञ चर्च के खिलाफ 1,700 से अधिक मामलों की जांच कर रहे हैं। समिति ने चर्च की कार्यप्रणाली में कई वित्तीय गड़बड़ियों का पता लगाया है। पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की इस वर्ष जुलाई में चुनाव प्रचार के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के आरोपी तेसुया यामागामी ने पुलिस को बताया कि श्री आबे जिस धार्मिक समूह से जुड़े थे वो उससे घृणा करता है। यामागामी के एक सोशल मीडिया पोस्ट और पत्र में कहा गया है कि उसकी मां ने इस चर्च को काफी बड़ी धनराशि दान में दी थी, जिससे उसका परिवार दिवालिया हो गया और उसका जीवन तबाह हो गया। इस चर्च की कथित संदिग्ध व्यापारिक गतिविधियां और दान में मिली धनराशि भी जांच के घेरे में है। ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री जेरेमी हंट ने कुछ सप्ताह पहले घोषित आयकर में कटौती सहित अधिकांश आर्थिक पैकेज को पलट दिया है। श्री हंट ने कहा कि वो प्रमुख ऊर्जा नीति और सार्वजनिक व्यय में कटौती नहीं करने के वादे के साथ नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस द्वारा शुरू की गई कर कटौतियों को निरस्त कर रहे हैं। शुक्रवार को प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने 6 सप्ताह से भी कम समय तक वित्त मंत्री रहे क्वासी क्वांटरिंग को बर्खास्त कर दिया गया था और इस पद पर पूर्व विदेश और स्वास्थ्य मंत्री जेरेमी हंट को नियुक्त किया था। नए फैसलों के अंतर्गत घरों और व्यवसाय के लिए 2 वर्ष की ऊर्जा सहयोग योजना पर 100 अरब पाउंड से अधिक खर्च की योजना अब अगले साल अप्रैल में समाप्त कर दी जाएगी। इसके स्थान पर दूसरी योजना लाई जाएगी। 23 सितंबर को घोषित कर कटौती योजना से ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड में रिकॉर्ड गिरावट आई थी। इससे बैंक ऑफ इंग्लैंड को आपात कार्रवाई के लिए बाध्य होना पड़ा था। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की कड़ी में हम आपके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जानकारी लेकर आए हैं, जिसका उद्देश्य बालिकाओं के प्रति समाज के नजरिए में बदलाव लाना है। पिछले 8 सालों में केंद्र सरकार ने बालिकाओं की शिक्षा और बाल लिंग अनुपात पर बहुत ध्यान दिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही बालिकाओं की शिक्षा और विभिन्न अवसरों में उनकी भागीदारी बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में हरियाणा के पानीपत से इस अभियान की शुरुआत की थी। श्री मोदी ने कहा कि समाज की बेहतरी के लिए बालिकाओं और बालकों के बीच बढ़ते असंतुलन को दूर करना बहुत जरूरी है। गांव, पंचायत, परिवार, समाज के लोग, इन सब ने दायित्व निभाना पड़ेगा और तभी जाकर के हम इस असंतुलन को मिटा सकते हैं। ये रातों रात मिटने वाला नहीं है। करीब करीब 50 साल से ये पाप चला है।
आने वाले 100 साल तक हमें जागरूक रूप से प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर के शायद इस स्थिति को हम सुधार पाएंगे। और इसलिए मैंने कहा, आज का ये जो पानीपत की धरती पर हम संकल्प कर रहे हैं, ये संकल्प आने वाली सदियों तक पीढ़ियों की भलाई करने के लिए है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु वर्ग के प्रत्येक 1000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 918 दर्ज की गई, जबकि 1961 में ये संख्या 976 थी। लिंग अनुपात का ये अंतर देश भर में व्यापक स्तर पर और ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्रों में भी फैल गया था। भारत सरकार ने इस परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से उन 100 महत्वपूर्ण जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत की, जिनमें लड़के और लड़कियों की संख्या में ज्यादा अंतर था। सरकार ने समन्वित प्रयासों से बालिकाओं के अस्तित्व, सुरक्षा और शिक्षा को सुनिश्चित किया है। इस योजना के शुरू होने के बाद जन्म के समय लिंग अनुपात 2020-21 में 937 हो गया, जबकि 2014-15 में ये 918 था। वहीं उच्च शिक्षा में महिलाओं का सकल नामांकन अनुपात 2012-13 में 19.8% से बढ़कर 2019-20 में 27.3% हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का विस्तार देश के लगभग 640 जिलों में किया जा रहा है। इस योजना को 3 प्रमुख हिस्सों में बांटा गया है। पहला, जन्म के समय बाल लिंग अनुपात और लिंग अनुपात को सुधारने के उद्देश्य से विभिन्न अभियान शुरू किए गए। दूसरा, पूरे देश में अधिक लिंग अनुपात वाले जिलों में बहु क्षेत्रीय हस्तक्षेपों वाले जागरूकता कार्यक्रम लागू किए गए। और तीसरा, बच्चियों के लिए फंड सुनिश्चित करने के लिए माता पिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वित्तीय प्रोत्साहन स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई। इस सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 10 साल से कम उम्र की बेटी 1000 रुपया से लेकर के 1.5 लाख रुपये तक उसके माँ बाप पैसे बैंक में जमा कर सकते हैं। और सरकार की तरफ से हिंदुस्तान में किसी भी प्रकार की परंपरा में ब्याज दिया जाता है, उससे ज्यादा ब्याज इस बेटी को दिया जाएगा। हरियाणा के बीबीपुर गांव के सरपंच सुनील जगलान ने बालिकाओं को बचाने और इस मुद्दे के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक दिलचस्प पहल सेल्फी विद डॉटर की शुरुआत की। मेरा नाम सुनील जगलान है और मैं बीबीपुर गांव का सरपंच रहा हूं। जब सेल्फी विद डॉटर के बारे में हमने सोशल मीडिया पर और दोस्तों के सामने शेयर किया तो कुछ खास व्यूज नहीं आए, लेकिन मुझे ये पता था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर युवाओं में सेल्फी का बहुत बड़ा क्रेज है और हमें आगे आने वाली जनरेशन को अगर लिंगानुपात की संवेदनशीलता का महत्व समझाना है तो इसके लिए जरूरी है कि यूथ सोशल मीडिया को एक वेपन की तरह यूज करे ताकि लिंगानुपात संवेदनशीलता का महत्व उनके दिमाग पर असर कर जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में सेल्फी विद डॉटर पहल शुरू करने के लिए बीबीपुर सरपंच की सराहना की। प्रधानमंत्री ने लोगों से बेटियों के साथ अपनी सेल्फी साझा करने का भी आग्रह किया और जल्द ही ये पहल पूरी दुनिया में हिट हो गई। भारत और दुनिया भर के लोगों ने बेटियों के साथ अपनी सेल्फी साझा की और जिनकी बेटियां हैं उन सभी के लिए ये गर्व का। मुंबई हवाई अड्डे का रनवे आज सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक मरम्मत कार्यों के लिए बंद रहेगा। इस वार्षिक गतिविधि के कारण कई उड़ानों का समय बदला गया है। रेलवे ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में कबाड़ की बिक्री से 2,500 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलवे को पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 28% अधिक आमदनी हुई। मंत्रालय ने कहा कि 2022-23 के लिए कबाड़ की बिक्री से आमदनी का लक्ष्य 4,400 करोड़ रुपए रखा गया है। भारतीय महिला टीम को फीफा अंडर 17 विश्व कप के ग्रुप ए के अंतिम मैच में ब्राजील से 5-0 से हार का सामना करना पड़ा है। मैच कल रात भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेला गया। भारतीय टीम अमेरिका और मोरक्को से अपने ग्रुप लीग मैच हारकर पहले ही विश्व कप से बाहर हो चुकी है।
भारतीय निशानेबाज समीर ने विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता पुरुषों की 25 मीटर जूनियर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। चीन के वांग शिविन ने स्वर्ण पदक जीता। महिलाओं की एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का फाइनल आज खेला जाएगा। ईशा सिंह, शिखा नरवाल और वर्षा सिंह की टीम भारतीय चुनौती पेश करेगी। इससे पहले रविवार को पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल, किरण अंकुश जाधव और अर्जुन बाबूता की टीम ने भारत के लिए प्रतियोगिता में पांचवां स्वर्ण पदक जीता। फुटबॉल में एएफसी अंडर 20 एशिया कप क्वालिफायर्स मुकाबले में भारतीय टीम आज मेजबान कुवैत से खेलेगी। अंडर 20 एशिया कप अगले वर्ष उज्बेकिस्तान में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से कुवैत में होगा। और अब आज का मौसम। दिल्ली और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। मुंबई में बादल छाए रहेंगे और मध्यम वर्षा की संभावना है। चेन्नई में भी हल्की वर्षा हो सकती है। जम्मू, श्रीनगर और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। कुछ स्थानों पर शाम को बादल छाए रहेंगे। लेह में वर्षा और बर्फबारी का अनुमान है। गिलगित में वर्षा हो सकती है। गुवाहाटी, अगरतला और गैंगटॉक में बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। इम्फाल और शिलांग में आसमान साफ रहेगा। कोहिमा और आइजोल में भी बादल छाए रहेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonia.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और विशाल, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी लवलीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसान सम्मान सम्मेलन में ये कहना कि भारत का आत्मनिर्भर होना जरूरी, राष्ट्रीय सहारा की पहली खबर है। पत्र आगे लिखता है कि अतीत में बिचौलिए उठाते थे योजनाओं का लाभ। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिवाली से पहले किसानों को सम्मान निधि मिली। दैनिक जागरण की पहली खबर है, समृद्धि की ओर बढ़ते कदम, 41 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर। पत्र के अनुसार यूएन की रिपोर्ट में लिखा गया है कि पिछले डेढ़ दशक में सरकारों के प्रयास का सकारात्मक प्रभाव रहा। जनसत्ता ने कानून मंत्री किरेन रिजिजू के इस वक्तव्य को दिया है कि न्यायपालिका अपने लिए निगरानी तंत्र बनाए, क्योंकि वो भी लोकतंत्र का हिस्सा है। आबकारी नीति मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से सीबीआई की पूछताछ हिन्दुस्तान सहित सभी अखबारों में है। कांग्रेस अध्यक्ष पर फैसला पेटी में बंद, नवभारत टाइम्स की पहली खबर है। पत्र आगे लिखता है, सोनिया का उत्तराधिकारी कौन, कल पता चल जाएगा। कुछ बच्चों के लिए घातक है वीडियो गेम, शीर्षक से जनसत्ता ने लिखा है कि अति संवेदनशील बच्चों में पैदा होती है गंभीर और अनियमित दिल की धड़कन की समस्या। पत्र लिखता है कि बच्चे गेम जीतने या हारने के कारण उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाते हैं या साथी खिलाड़ी के साथ वाद विवाद करते हैं, जो एक गंभीर समस्या है। अगले महीने शर्मल शेख में होने वाली जलवायु वार्ता COP27 में जलवायु क्षतिपूर्ति की भरपाई का मुद्दा उठेगा, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र ने एक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है कि दुनिया की 43% आबादी जलवायु खतरों से जूझ रही है। फिजी अगले वर्ष विश्व हिंदी सम्मेलन की करेगा मेजबानी, राष्ट्रीय सहारा की खबर है। पत्र के अनुसार दुनिया भर के 1000 से अधिक प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में इंटरपोल की 90वीं महासभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री गुजरात के लोथल में समुद्री विरासत परिसर के निर्माण कार्य प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। 12वीं रक्षा प्रदर्शनी आज से गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर में शुरू हो रही है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार तय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंटोनियो गुतरस आज 3 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। इंग्लैंड के नए वित्त मंत्री जेरेमी हंट ने सरकार के आर्थिक पैकेज के अधिकांश फैसलों को बदला। जापान पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या के बाद यूनिफिकेशन चर्च से जुड़े मामलों की जांच करेगा। और मिस्र के काहिरा में विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत के समीर ने रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।